प्राइसिंग लीक हो चुकी है, तब से भी कार इनकी की लगती थी भाई मुझे पहले, यार लग रहे कहीं से टाटा की कार है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू टाटा कर्व, और ये है आइस में, यानी कि डीजल इंजन में है ये वाली कार। और इसमें ना न्यू पेट्रोल इंजन भी आ चुका है। दो पेट्रोल इंजन आपको मिल जाते हैं और एक डीजल इंजन आपको मिल जाता है। सारी इंजन स्पेसिफिकेशन ना आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, बट आज की वीडियो में ना बात करेंगे कि भाई पेट्रोल डीजल कार्स में आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं। इससे पहले ना आपने ईवी की वीडियो देख ली होगी, उधर ना ईवी खड़ी है, अगर आपने नहीं देखी है आई बटन पे आ रही होगी, तो हाँ आपको एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं क्या क्या नहीं। सबसे पहले ना की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे मेजर डिफरेंस है, आप कहेंगे भाई क्या डिफरेंस है, सेम तो है भाई। जो ईवी की है ना उसमें आपको डॉट ईवी मिलता है, इधर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, बाकी बटन्स वगैरह सब कुछ सेम है, लॉक अनलॉक और पावर टेलगेट, भाई क्रेटा के सेगमेंट को ये टक्कर दे रही है। और जो फीचर्स आ रहे हैं इसमें लाजवाब, जो रोड प्रेजेंस है इसकी भाई लाजवाब। बट एनी वे सबसे पहले ना फ्रंट से बात करते हैं, हम आगे आ जाते हैं और शोरूम में आ रखा हूँ भाई, जिसका नाम है विजन टाटा, इसलिए थोड़ी धीरे बोल रहा हूँ कि लोग मुझे ना देखें ज़्यादा। बट एनी वे जल्दी से अंदर चलते हैं, जब थोड़ी सी तेज भी हम बात कर लेंगे। बट सबसे पहले जो अंडर द हुड चीज आपको मिल रही है इंजन, उसकी बात करें, इसमें आपको भाई 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 120 bhp विद 260 nm ऑफ टॉर्क। एंड फ्रंट लुक की बात करें, सबसे पहले ना ये लुक, सारी लाइट्स वगैरह हम इसकी जला देते हैं। कनेक्टिंग इसमें आपको DRLs मिलती हैं, इधर आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, नीचे आपको हेडलाइट सेटअप मिल जाते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर, यही लो बीम यही हाई बीम का काम करेगा, नीचे आपको फॉग लाइट मिल जाएगी, ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और कहीं ना कहीं भाई जो ये रेड कलर है लैम्बोर्गिनी उरस से जो लोग कंपेयर कर रहे हैं भाई, खतरनाक यार, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस सेगमेंट में ना जो कार है ना किल कर रही है भाई, किल। रोड प्रेजेंस की अगर बात करें बहुत ही ज़बरदस्त, इधर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, ऐसी कुछ है इसकी ग्रिल, क्रोम ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है, फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा, वैसे तो 360 कैमरा इसमें आपको मिल जाएगा, फ्रंट पार्किंग सेंसर आपको मिल जाएंगे दो, नीचे आपको स्किड प्लेट मिल जाती है। बाकी तो ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें, 206 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है, ऊपर आपको भाई ये देखो कैमरा भी मिल जाता है, यानी कि लेवल 2 ADAS इसमें आपको मिल जाता है, इधर पीछे रडार भी आपको मिल जाएगी। बाकी साइड में आ जाते हैं, सबसे पहले अलॉय व्हील्स की बात करें, बहुत ही खतरनाक डिजाइनिंग है भाई अलॉय व्हील्स की, 215/55 R18 टायर साइज है। फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, एज स्टैंडर्ड आपको आगे पीछे डिस्क ब्रेक मिल रही है, 6 एयरबैग्स भी इस कार में आपको एज स्टैंडर्ड ही मिल रहे हैं। बाकी तो हाँ जो एक चीज है, क्लैडिंग देखो भाई, ईवी में भी और इसमें भी बिल्कुल ही ग्लॉस ब्लैक आपको मिलती है, अक्सर आपने नोट करा होगा क्लैडिंग होती है रफ, बट इसमें आपको ग्लॉस ब्लैक मिलेगी। पीबीएफ करा लेना, डिटेलिंग भी ला जाना, क्योंकि ग्लॉस ब्लैक में यार स्क्रैचेस बहुत ही ज्यादा जल्दी आते हैं। क्लैडिंग पे स्टाइलिंग एलिमेंट ना मैंने अब नोट करा, इसे आप फिन भी कह सकते हो, बट यार टाटा ने जो काम कर रखे ना खतरनाक। बाकी यस, क्रोम ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाते हैं, ईवी में ना इधर कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इसमें आपको मिल जाता है, मतलब ये क्रोम कम सेटिन ज्यादा लग रहा है, मतलब कि प्रॉपर क्रोम नहीं है, जो एक चमक होती है ना क्रोम की वो वाली चीज इसमें है नहीं। शार्फिन एंटीना आपको मिल जाता है, ब्लैकआउट रूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाएगी, अभी अंदर चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी पीछे आ जाते हैं, ये है भाई चीज, एक तो यार बैलून, सॉरी भाई आपको मैं तोड़ना दूं, क्या ही लुक है यार कार की। इधर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, कर्व की बैजिंग मिल जाती है, इधर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, रियर डिफोगर मिल जाता है, कोई रियर वाइपर नहीं मिलता है, क्योंकि कूपे लुक है, ऐसे यूज में भी नहीं आएगा भाई रियर वाइपर तो। और ये सो कॉल्ड स्पॉयलर, वैसे आप इसे स्पॉयलर नहीं कह सकते, बट डिजाइनिंग की बात करें ना बढ़िया डिजाइन लगता है। एंड अब एक बार मैं इसका खोलता हूँ टेल गेट, अनलॉक करी कार और ये लो जी, देख रहे हो भाई डांस कैसे करती है टेल लाइट, खुल जा भाई, ये लो जी खुल जा खुल जा खुल जा, खुल गया। इलेक्ट्रिक टेल गेट इसमें आपको मिल जाता है, 500 लीटर्स की इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि मोर देन इनफ है। बूट लाइट आपको मिल जाएगी हैंग करने का, इधर मतलब कि हुक्सा मिल जाएगा, पार्शियल ट्रे आपको मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, JBL का सबवूफर आपको इधर मिलेगा, टॉप वेरियंट है भाई, JBL के स्पीकर्स आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी तो भाई ये सारा ट्रीटमेंट भी ग्लॉस ब्लैक है, यार स्टाइलिंग तो कार की जबरदस्त है। बाकी दो रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, एंड टेल गेट अगर आपको बंद करना है इधर से आप कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और चीज जो मैंने नोट करी भाई, लाइट्स वगैरह की ट्रीटमेंट की बात करें ना, सब कुछ ही आपको LED मिलती है, चाहे वो हाई माउंट स्टॉप लैम्प हो या फिर कनेक्टिंग टेल लाइट हो, बस जो रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन मिलती है। बट यस, बाहर से मोटी मोटी कार कुछ ऐसी है, अब हम चलते हैं भाई कार के अंदर। ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम, भाई ये कलर कितना जबरदस्त लग रहा है, आप इसे मैरून भी कह सकते हो, मतलब लड़कियों को ज्यादा नॉलेज होती है कलर की, तो कमेंट्स में बताना है कौन सा कलर है। बाकी ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट आपको इधर मिल जाएगा, पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये देखो भाई इलेक्ट्रिक सीट्स आपको मिल जाती है ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, ये है वेंटिलेटेड सीट्स का बटन। बाकी तो कार के हम अंदर चलते हैं और इंटीरियर
मैं आपको दिखाता हूँ भाई, एक बार डोर में बंद करूँ कैसा है। येलो जी बंद कर दिया है। और एक्सेसरी मोड पे से डालते हैं, इस जरा इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इंटीरियर तो लगभग आपको पता ही है कैसा है इसका, जैसे सफारी हैरियर में आते हैं ना वही वाला। क्या बात है भाई, क्या ही बात है यार भाई, लगता ही नहीं है कि टाटा ये कारें बना रही है। एम्बिएंट लाइट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल, इतनी बड़ी स्क्रीन, कैमरा क्वालिटी देखो कितनी बड़ी है, ऊपर से की। सबसे बेकार इनकी की लगती थी भाई मुझे पहले, मतलब कि हैरियर सफारी की भी ये चेंज कर देना तो ठीक है, कितनी प्रीमियम की हो चुकी है यार। लग रहा है कहीं से टाटा की कार है, बस ये गियर नॉब और सही हो जाए ना। सही बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक लेना भाई इसका, DCA मिल रहा है ऑटोमेटिक डीजल में पहली बारी, मौज आ जाएगी मौज। और जो रेंज रोवर जैसा गियर लीवर है जबरदस्त यार। बट एनीवे सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, ये ना वैसे टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, मैंने चेक कर लिया था। इधर आपको एडास वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, ग्लोइंग टाटा का लोगो। इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे, इसे मैं कर देता हूं बंद। एंड ये ऐसे ऐसे बकाई भी मारेगी भाई, मतलब वार्निंग वगैरह आपको दे देगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा है जबरदस्त यार। इधर से आप व्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं, पूरा मैप इधर आ जाता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का। बाकी तो हाँ, इधर से आप अपने ओरवीएम एडजस्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे। ये सारा भी सॉफ्ट टच है, ये सारा भी सॉफ्ट टच है, ये सारा भी सॉफ्ट टच है, ये हार्ड प्लास्टिक है। IRVM इसका भाई ऑटो डिमिंग है। ऊपर देखो जो सबसे बढ़िया चीज है, सनरूफ का बटन देख रहे हो भाई, कितना प्रीमियम है यार। ये छोटी छोटी चीजें ना नोट करनी चाहिए। खोल देता हूँ मैं, ये लो जी खुल जाएगी, बंद भी कर देते हैं, क्यों खोलनी, वैसे पूरी खुल के ही बंद होगी भाई। हो जाए बंद, होगी बंद, मतलब कि ऐसे जितनी ह्यूज पैनारोमिक सनरूफ नहीं है क्रेटा की साइज की, बट हाँ देखने में बढ़िया लगती है यार सनरूफ तो। देखो मुझे ऐसा ही फीचर लगता है अब तो, पहले तो मुझे भी शौक था, बट अब जब से अपनी कारों में है तो ये यूज करके इंसान हो जाता है ना कि ठीक है फीचर है, ये है वो है, मतलब वो सब बातें आ जाती है। बाकी स्क्रीन की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बीच में ग्लिचेस आ जाते हैं नो डाउट, बट अब पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो चुकी है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है, AQI भी इसमें आपको मिल जाता है। बाकी रिस्पॉन्स वगैरह भाई बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती ही नहीं है। और ये JBL के ना इसमें मोड्स मिल जाते हैं बढ़िया बढ़िया से, जैसे आर्कमीज में आते हैं ना हुंडई वगैरह के, वो ये 3D साउंड वगैरह के इफेक्ट दे देते हैं। और वेंटिलेटेड सीट्स का मैंने आपको बता दिया ना, इधर बटन मिलता है, अनलाइक महिंद्रा जिनके स्क्रीन में ही आते हैं बटन, बट थार 5 डोर में ना इधर आ रहा है भाई मैनुअल बटन वेंटिलेटेड सीट्स का, वाओ नाइस। बाकी तो यस, टच पैनल आपको मिल जाता है, जैसे आपको नेक्सॉन वगैरह में भी देखने को मिलता है। कोई ड्यूल जोन AC नहीं है भाई, जैसे हैरियर सफारी में है ना, वो ये कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट फैक्टर तो रखना था टाटा को। इधर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, USB सॉकेट मिल जाएगा, सी टाइप सॉकेट मिल जाएगा। एंड ये है 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स। गियर लीवर यार चेंज कर देना चाहिए था। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको क्या लगता है, ये थोड़ा ओल्ड स्कूल सा लग रहा है, मतलब एक बार इंटीरियर देखो कार के कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये वही बातें हैं, इधर से आप अपना मोड वगैरह चेंज करेंगे, इको स्पोर्ट सिटी मोड आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाएगी विद ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाएगा। बाकी तो सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है जो कि है नॉन एडजस्टेबल, ये फिक्स ही आपको मिलता है। और जो ग्लव बॉक्स है इसका यार बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस। ये देखो भाई ईस्टर एग्स वगैरह जो बने आ जाते हैं, मजेदार, मतलब कि ओवरऑल बढ़िया कार है। इधर आपको मिरर मिल जाता है, एंड इधर आपको टिकट होल्डर मिलता है, कैबिन लाइट वगैरह आपको LED ही मिलती है। एंड पीछे दो एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं विद सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर। पेस वगैरह ना मैंने आपको दिखा रखी है, वैसे काम करता हूँ पीछे चलता ही हूँ। ये देखो भाई जो इसके डोर हैंडल्स है ऐसे हो जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर केवल इधर मिलेगा, उधर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। सीट मैंने ज्यादा ही पीछे कर रखी है, बट हाँ जो लेग रूम है वो मतलब ओके है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी। थाई स्पोर्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको लग सकती है, बट जो 6 फुट से बड़े हैं उनको हेडरूम में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई कूपे लुक है कार का, तो ये तो वो ये दिमाग लगाओ कूपे लुक की हर कार में ये वाली दिक्कत होती ही होती है। बट हाँ एम्बिएंट लाइट भाई इधर भी है जैसे सफारी हैरियर में है ना, बढ़िया यार। बाकी पीछे डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आ जाता है, खतरनाक यार खतरनाक, मजा आ गया भाई कार में तो। मतलब कि सीरियसली अगर मुझे टाटा की कोई कार लेनी हो ना वो यही होगी भाई, कब क्या लग रही है भाई। बट अब मेन बात, इतने दिन हो चुके हैं लॉन्च हुए, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बट अब ना बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है इस कार की, रोड प्रेजेंस। कितनी सुंदर कार है भाई, कोई कलर में आप देख लो, बट डार्क एडिशन में जब ये आएगी जब सोचो भाई कितनी बढ़िया लगेगी। उसके बाद भाई डीजल में ऑटोमेटिक जो DCA मिल रहा है, ये एडवांटेज बहुत ही बड़ा है भाई। पहली बार मिल रहा है DCA आपको डीजल में, मतलब कि मजा आ जाएगा चलाने में जल्दी से भाई। ड्राइव रिव्यू भी आने वाला है एक बार ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाए ना। एंड जो तीसरा एडवांटेज होने वाला है भाई, कार की माइलेज। डीजल में भाई माइलेज की एक्सपेक्टेशन है 20+, लेट्स सी रियल लाइफ में कितनी आती है कितनी नहीं। और उसके अलावा तो यार
जो एडवांटेज की बात करूं मैं, इंटीरियर वगैरह मुझे देखो बहुत पसंद आया कार के। बट अब नेगेटिव्स की बात भी कर लेते हैं। एडवांटेजेस तो देखो कितने गिनवालू हैं, बहुत ज्यादा है। जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है ना भाई, एक ही लगता है, रिलायबिलिटी का। जो कस्टमर फीडबैक आता है, बस कार में कोई दिक्कत ना आए ना तो ये कार ना भाई इजिली क्रेटा एंड सेल्टोस की मार्केट खा जाएगी। इतनी प्रीमियम कार है ना, खासकर जो रोड प्रेजेंस है यार इसकी, लाजवाब यार, नेक्स्ट लेवल। यस, एक शॉकिंग चीज मैं आपको दिखाऊं भाई, प्राइसिंग लीक हो चुकी है। जी हाँ, ये देखो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो, मैं वेबसाइट तो क्या मेंशन करूंगा, बट 9.15 लाख से शुरू हो जाएगी भाई इसकी प्राइसिंग, अप टू 17.30 लाख रुपीस जाएगी। मतलब कि ऑन रोड मोटा मोटा टॉप मॉडल 20 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। वैसे तो ऑफिशियली जो आइस वाली है ना, पेट्रोल और डीजल, 2 तारीख को लॉन्च होंगी, बट आजकल वेबसाइट्स पे यार लीक वगैरह पहले ही आ जाते हैं। अब देखते हैं कितना सही रहेगा कितना नहीं, बट मुझे तो लग रहा है भाई ये बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है, क्योंकि वेबसाइट ना जानी मानी है। अगर सच में भाई 9,15,000 से स्टार्टिंग होगी ना टाटा कर्व की, तो मार्केट में ना धमाल मचेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको प्राइसिंग कैसी लगी कैसी नहीं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। पॉइंट टू पॉइंट मैंने एज ऑलवेज वीडियो बनाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो बना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं आप सबको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।